पाली की बात करते हैं। जिला मुख्यालय पर आज सैकड़ों की तादाद में ओबीसी वर्ग से जुड़े युवाओं ने आरक्षण संबंधी अपनी मांग को लेकर राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 17 अप्रैल को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण अधिनियम जो कि 2018 की बात है 1988 में परिवर्तन कर लागू की गई। नई अधिसूचना से ओबीसी पुरुष वर्ग की अधिकतर सीटें भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित की जा रही है, जिसमें ओबीसी वर्ग के पुरुष बेरोजगारों को राजस्थान सरकार की भर्ती में न के बराबर नियुक्ति मिल रही है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिविल सेवाएं भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 द्वारा राज्य सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को कुल रिक्तियों का 12.5% आरक्षण दिया है। राजस्थान में भूतपूर्व सैनिक अधिकांशतः पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से होते हैं। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण में संशोधन करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आज हम आरक्षण ओबीसी आरक्षण से निमित्त आज एकत्रित हुए हैं और पूरे राजस्थान के अंदर आज 8 अगस्त को हमने तय किया था कि 8 अगस्त को ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को सीएम की तरफ से। तो इस निमित्त हम एकत्रित हुए। हमारा ये एक काला कानून है जो 2018 में सरकार ने उपनियम बना के ये एक हमारे लिए काला कानून बन गया था और उससे लेकर अब तक जो भर्तियाँ हुई है उसमें हमें 10,000 पदों का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई सरकार को हम चाहते हैं कि वापस बेरोजगारों को नौकरी देकर करे। और हम यही चाहते हैं कि हमारा आरक्षण जो है पहले जैसा नियम था वैसा का वैसा वापस बने और 21% का जो हमें हक मिलना चाहिए वो वापस मिले। इसी निमित्त हम आज एकत्रित होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए। क्या नाम है आपका? डूंगर राम पटेल, पटेल हॉस्टल व्यवस्थापक।